अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सोहेब अली। और आज का एक नए लेक्चर के साथ हमारा आज का लेक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स के बारे में बात करी है, तो आज हम जिस ऑर्गेनल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं आप उसको डिटेल में देखेंगे। जैसे कि अगर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करें, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास ये सेल का स्ट्रक्चर है, और इस सेल के इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको तमाम ऑर्गेनेल्स जो जो हैं वो सामने नज़र आ रही हैं। दरमियान सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर एक आपको एक्सटेंडेड जो है वो मेम्ब्रेन का नेटवर्क नज़र आ रहा है, और ये मेम्ब्रेन का नेटवर्क न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके आउटर मेम्ब्रेन मतलब के सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। इस मेम्ब्रेन के नेटवर्क के बारे में आज हमने बात करनी है, जो आपको नज़र आ रहा है। इस मेम्ब्रेन के नेटवर्क को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ बाहर मौजूद है, और ये एक्चुअल में सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। पूरी के पूरे मेम्ब्रेन का जो नेटवर्क है थ्रू आउट द सेल ये फैला हुआ होता है। अब इसके बारे में अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इन डिटेल आप बात करते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं एक्चुअल में ये फैला तो आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन तक हुआ है, लेकिन उसके साथ ही इसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स के अंदर भी एक फ्लूइड लाइक मटेरियल मौजूद है, और उस फ्लूइड लाइक मटेरियल को आउटर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से सेपरेट कर रहा है वो हमारे पास मेम्ब्रेनस नेटवर्क है, जो आपको नज़र आ रहा है पिक्चर के अंदर, वो उसको हम सिस्टर्निका नाम देते हैं। ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन्स हैं ये सिस्टर्निका जो है वो इनको नाम देते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम डिटेल में बात करते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स है, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ देयर फॉर्म्स, उनकी शक्ल के हिसाब से। नंबर फर्स्ट हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप जो आप देख रहे हैं वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि राइबोसोम्स लगे हुए हैं, ठीक है। और नंबर टू हमारे पास जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे हुए। अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले इसके बारे में बात की है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। मतलब कि अब इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये प्रोटीन बनाने के काम आएंगे, क्योंकि हमें पता है राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन बनाना है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेनली काम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस है, जबकि अदर फॉर्म्स जो हमने देखी है वो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, और इसके बारे में हमने बात की है कि ये विदाउट राइबोसोम्स है। इसका मतलब है कि ये राइबोसोम्स इसके ऊपर मौजूद नहीं है तो ये प्रोटीन बनाने के काम तो नहीं आएंगे। उसके अलावा इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करती है, और उन फंक्शंस के अंदर हमारे पास जो है वो मेन फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट का है। उसके अलावा ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म में मतलब के काम आती है, ठीक है, और उसके अलावा ये डिफरेंट किस्म के ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करती है, वो ड्रग्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर तो मौजूद है लेकिन वो काम नहीं आते, ठीक है, सेल के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम आती है। ये दो तरह के हमारे पास थे जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप, और अगर इन दोनों तरह के टाइप्स के अंदर हम जो है वो बात करें तो एक रफ है और एक स्मूथ है। रफ के साथ राइबोसोम्स अटैच थे, आपने पिक्चर में भी देखा, और वो प्रोटीन बनाती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम होती है, मेन काम उसका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स होते हैं, ठीक है, और लिपिड का मेटाबॉलिज्म वो चलाती है, ठीक है। ये ओवरऑल हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो एक सेल के अंदर आप देख रहे हैं, और ये पूरे सेल के अंदर फैला हुआ है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, और ये जो है वो सेल को ओवरऑल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई होप सो कि आपको जो है वो समझ आया होगा ये टॉपिक जो पिक्चर के साथ आपने देखा है। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।